Assalamualaikum. Hi guys, मैं हूँ सोहेल और आप देख रहे हो सोहेल रा हीरो चैनल. I'm in मोहम्मद अली रोड टुडे. आज चांद रात भी है, आज बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. सो आपके लिए आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. आज वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है. आज सो क्राउडेड इज नाइट 12 o'clock नाउ. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्राउड है, कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि कल ईद है, इसके लिए आज बहुत ज़्यादा क्राउड है. और जो भी सामान है, जो भी मटेरियल, जो भी क्लोथ, जो भी चाहिए लोगों को, सब ले रहा है. जो भी प्राइस है, ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ले रहा है. सो लेट्स गो फॉर द वीडियो. सो गाइज, आज के जो वीडियो है बहुत मज़ा आने वाला आपका. आप वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा. अब कैसा लगेगा कि आप मोहम्मद अली रोड में ही हैं, आप खुद ही शॉपिंग कर रहे हो, तो आप इतना आपको हैप्पीनेस फील होएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा आपको, दैट इज़ आई एम श्योर. सो गाइज, आप पहले देख सकते हो कि आप जो ये जो है लहंगा का शॉप है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आपको मटेरियल्स दिखाऊंगा आपको. प्राइस तो आपको ये सब का ज़्यादा पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर प्राइस तो सबको पता ही रहता है. ये सब ज़्यादा नहीं है, 2 से लेके 5, 10, 15, 20 हज़ार तक ही है. आज जो है, आज ईद के मार्केट है, आज चांद रात है, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा इन लोग बोलते ही हैं. तो आज जो है, आज इन लोगों का ज़्यादा बिजनेस का टाइम है अभी, क्योंकि इनको लगता है कि साल में एक बार रोज़ा का ईद आता है, रमज़ान आता है, तो इसमें जितने लोगों से जितना ले सकते हैं उतना ही हमारी बिजनेस है. सो गाइस, आपको हिसाब से लेना पड़ेगा. अगर आप कभी जाओगे मोहम्मद अली रोड में तो फिर आप बार्गेनिंग करके ले सकते हो. वहाँ पे ऐसा तो ज़्यादा महंगा रहता नहीं है, फिर भी आज की दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम करके दे दो. सो आज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि कितना कौन सा प्राइस है. जो आपको दिखेगा वो आप देख लीजिएगा. आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि बाजार जो है, जो मार्केट लगा हुआ है, क्राउडेड है, खाने पीने का चीज़ में है, कपड़े का शॉप में है, बैंगल्स का शॉप्स में है, मेकअप का शॉप्स में, सब कुछ जो है, हर एक चीज़ में आज भीड़ लगा रखा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. सो आपको मैं सिर्फ यही सब दिखाने के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूँ. यही मेरा मकसद है कि आपको लगे कि आप खुद मोहम्मद अली रोड में आज है. सो गाइस, अगर आप बॉम्बे में हैं तो आप तो जानते हैं कि मोहम्मद अली रोड कहाँ पे है. तो अगर आपको मोहम्मद अली रोड जाना रहेगा तो आप मस्जिद से उतार के राइट से चले जाइए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का रास्ता है. इसके बाद आपको मोहम्मद अली रोड शुरू हो जाएगा. इसके बाद आपको जो चीज़ें लेने का है आप ले सकते हो. आपसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है. तो ये जब शुरू होता है ना, इसको ख़त्म होने के लिए नाम ही नहीं लेता है. मैं एक्चुअली ये सब वीडियो बना के थक गया हूँ, फिर भी दुकानें ख़त्म नहीं हो रहा है. एक गली में, वो गली में, हर एक गली में शॉप से. अभी आप यू नॉट बिलीव दैट, एक्चुअली जैसे मैं एंट्री किया था तभी करीब 9:30 बजे था, फिर भी जैसे तभी थोड़ा क्राउड कम था, तो पता नहीं इसके बाद धीरे 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 क्राउड बढ़ने लगा है. अभी इतना ज़्यादा, अभी देखे 12:30 होने वाला है, तो अभी जो है ना क्राउड बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड है. क्योंकि हम लोग सोचता है कि आज कल का दिन तो है, आज लास्ट है, तो फिर हम लोग शॉपिंग करके कल ईद मनाएंगे. इसके लिए ठीक है, ये भी एक्चुअली गलत नहीं है. मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ गलत है, आप तुम रात में इतना घूमते कि वो ऐसा नहीं है. ये देखिए, ये जो है, ये ज्वेलरी का है, नेकलेस है. देखिए हर एक जगह में अच्छा अच्छा कपड़ा लगा रखा है, इतना डिज़ाइन, इतना वेराइटीज, इतना कलर्स, मतलब इनका जो है कुछ फैशन होता है हर एक साल में. कभी अनारकली आ जाता है, कभी अम्ब्रेला आ जाता है, क्या क्या आता है ये सब. तो जो दीपिका पादुकोण पहन के घूमती है, बस वही एक बार पिक्चर देख लेते हैं पब्लिक, तो फिर वही लेने के लिए पागल हो जाता है. तो और वही चलता है कि हाँ भाई हीरोइन ने पहन लिया ना, तो ये हमको भी पहनने का है, तो इसके लिए ये सब चल जाता है. और आज के दिन में जो है, आई एम श्योर कि ये जो है शॉपकीपर्स जो है, इन लोग थक गया है. एक्चुअली शाम से शुरू हो गया कि आज पब्लिक आ रहा है, ले रहा है, दिखाओ, ये दो, वो दो, इतना हुआ, उतना हुआ. ये देखिए, सभी लोग सेल कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे. ये सब जो है, मैंने आपको पहले कहा था कि आज मैं आपको मटेरियल्स का जो भी है भाव बताऊंगा नहीं, तो आप देख सकते हो. ये सब जो है 500-550 भी है, 200-300 भी है, 5,000-10,000 भी है, 20-30,000 का भी है. हर एक वैराइटीज़ का क्लोथ्स है, आपको हर एक बजट का आपको यहाँ पे सामान मिलेगा आपको. तो यहाँ पे बजट का कोई इशू नहीं है.
पे सबसे बड़ा मार्केट है ये जो है मोहम्मद अली रोड में है। ये एक्चुअली ये मुस्लिम्स के लिए है, यहाँ पे एक्चुअली मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो इसके नाम भी है मोहम्मद अली रोड पहले से ही है। और आपको तो मालूम है कि मुस्लिम जो लोग जो है थोड़ा सा झकझुक ज़्यादा पसंद करता है, जो क्लोथ्स में ज़्यादा झकझुक रहेगा वही चीज़ उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है, यहाँ पे मिलता भी वैसे ही है। ये देखिए ये सब ज्वेलरी है, हार वार लगा रखा है सब। फिर भी हर एक शॉप्स में इतना क्राउड है मतलब आप हिल नहीं सकते, इतना ज़्यादा क्राउड है। मुझे तो डर लग रहा था कि यहाँ पे अभी चोरी वोरी ना हो जाए लोगों का, और होते भी होगा, मुझे पता नहीं कि हो भी क्या होगा। क्योंकि जैसे अभी फीमेल्स जो है, हमारी माँ बहन जो है, इन लोग जो जब शॉपिंग करना शुरू करता है तो होश नहीं रहता है कि हाँ ये दे दो, वो अच्छा है, ये दिखाओ वो दिखाओ, कर कर के जो है शॉपकीपर ने दिमाग में खा जाता है। फिर लेंगे तो नहीं है, 50 देखेंगे, 100 देखने के बाद लेंगे, 1 से 2। ये देखिए इसका प्राइस भी दिख रहा है, ये मैं ज़्यादा करके बोल रहा हूँ ना, ये सब 700, 800, 200 नहीं मतलब 550 वगैरह वगैरह है। ये देखिए 750, हर एक वैरायटी, हर एक कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाइए, जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आइए ये मार्केट में, तो आपको मज़ा आएगा। आप घर से अगर किसी को लेकर जाना चाहते हो तो जाइए, अकेले जाना है तो जाइए। तो ये देखिए अभी जो है, अभी धीरे धीरे क्राउड बढ़ते जा रहा है। मैं आपको पहले कहा था कि जब मैंने पहले एंट्री किया था तभी 9:30 हुआ था, उतना क्राउड नहीं था। अब जब यहाँ पे टाइम होने लगे तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो यहाँ का लोकल पब्लिक्स है, जो आसपास में रहता है, ये लोग भी अभी आने लगा है। तो रोड में भी इतना जाम हो गया है, इतना क्राउड हो गया है, वहाँ पे पुलिस लोग बैठा हुआ है, वहाँ पे पुलिस फोर्स बैठा हुआ है, वहाँ पे उन लोग काफ़ी, पुलिस का वैन भी आ चुका है, क्योंकि इन लोग सोचता है कि यहाँ पे पता नहीं अभी कुछ लपड़ा पड़ा वो नहीं हो जाए इतना क्राउड की वजह से। और रोड में भी क्राउड हो गया है, रोड में पब्लिक चल रहा है, चलने की वजह से जो है रोड का गाड़ी जाना है वो सब जा नहीं पा रहा है। तो अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप रोड से हट जाइए, इतना क्राउड है आज, क्योंकि फाइनली चांद रात जो है ना बस इसके लिए। ये देखिए एक्चुअली ये बच्चे लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है, जैसे छोटे छोटे बच्चे को दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इनका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत से बनाता है कारीगर लोग। ये जो है ये 500 का है। ये देखिए शोरूम है, अब जो यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स भी है, ऊपर शोरूम है और नीचे जो है बैंगल्स का दुकान है साइड में। तो अभी नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा, अभी और भी जो है बहुत सारा शोरूम से है, वो सब को वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लगा रखा है। तो अब अंदर जाने के बाद देख सकते हो कि ये क्या है वो क्या है, बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा आपको, आप जाइए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको मनीष मार्केट भी है पास में, लोअर चाल भी है पास में। अगर आप वेस्टर्न साइड से जाना चाहते हो तो फिर आप चांदनी रोड, ग्रैंड रोड या फिर मोहम्मद सेंट्रल उतर जाइए, तो फिर वहाँ पे टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा आपको अगर मोहम्मद दिल्ली रोड जाना रहेगा। अगर नहीं तो फिर अगर आप ईस्ट साइड से जाते हो मस्जिद में उतर जाइए, मस्जिद अगर ट्रेन में जाना चाहते हो तो फिर मस्जिद में उतर जाइए, मस्जिद बंदर से 2-4 मिनट के रास्ता है, मस्जिद मंदिर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर आप दिन में जाओगे ना बस, तो फिर दिन में जो कैसे है ना, वहाँ पे हर एक गली गली में रश रहता है हमेशा, वहाँ पे एक्चुअली हमेशा ही वहाँ पे रश रहता है, क्योंकि वह होलसेल का मार्केट है, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलता है। आपको एक्चुअली बोला जाएगा आपको दुनिया में रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए रहेगा आपको सब कुछ वहाँ पे मिलता है, सोना चांदी से लेकर सुई धागा तक मिलता है, चप्पल सैंडल जो चाहिए आपको सब कुछ मिलता है, बम्बू तक मिलता है वहाँ पे, लकड़ी का चीज़ें मिलता है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पे नहीं मिलता, सब चीज़ मिलता है वहाँ पे, होलसेल के भाव में मिलता है वहाँ पे। तो फिर रश तो रहेगा ही ना। तो ये देखिए अभी जो है, यहाँ मैंने आपको कहा था कि अभी शोरूम के आसपास में जो है ये, तो ये काफ़ी लंबा दुकान होता है, ये काफ़ी बड़े होते हैं। मैं तो दुकान के अंदर गया नहीं, मैं आपको एक्चुअली जस्ट बाहर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा ज़्यादा रश भी है, बहुत सारा ज़्यादा क्राउड है। तो
तो फिर एक्चुअली इन लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर अगर मैं आपको जाना भी चाहूँगा, अगर मुझे सुना देगा कि अरे भाई अभी यार डिस्टर्ब मत करो ऐसे बोल के सुना देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं दूर दूर से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए डिज़ाइन कितना बढ़िया है कपड़ों का, इतना तो श्योर है कि आपको पसंद आ ही जाएगा। आप लो ना लो आपको पसंद आएगा, हर एक चीज़ आपको पसंद आएगा। फिर बजट भी जो इन लोग बोलता है ना, बोलता है 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, फिर बाद में आधा बेच देते हैं 2,500 में, 2,000 में, 1,500 में, 2,000 में, ये सब मिल जाता है आपको। ये देखिए ये सब हर एक दुकान जो है बहुत बहुत बड़े बड़े दुकान हैं यहाँ पे, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली जुम जुम कर करके आपको दिखाता हूँ, मैं आपका दुकान के अंदर नहीं जा रहा हूँ, रश के लिए अंदर जा ही नहीं सकता है, इतना रश है अभी जो है ज़्यादा करके। पहले जब मैंने शुरू किया था शूट करने के लिए तभी जेंट्स लोग ज़्यादा था, और फिर अब जब धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि लेडीज़ लोग भरा हुआ है, बहुत सारे लेडीज़ लोग आया हुआ है आज, क्योंकि उनको भी एक्चुअली हिसाब से लेना चाहिए। तो एक्चुअली कैसा है ना कि जितना जेंट्स लोग कितना भी खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े ले जाएंगे ना घर पे, तो उसमें लोग कुछ ना कुछ निकाल देंगे, इसका ये अच्छा नहीं, इसका वो नहीं अच्छा, इसका कलर अच्छा नहीं, इसका धागा पसंद नहीं है, इसका बॉर्डर है ही नहीं है, ये सब मतलब दुनिया का सवाल कर लेंगे इसमें, दुनिया का नोट्स निकाल देंगे इसमें, दुनिया का फॉल्ट निकाल देगा इसमें। इसके लिए बेटर कि हाँ भाई तुम लोग ही जाओ, तुम लोग ही लो, अच्छा होता है इस मामले में लेडीज़ लोग के एक दूसरे से देख देख के ले लेता है। ये देखिए ये सब जो है आसपास में ही है दुकान से, सब एक के बाद एक दुकान है, कंपटीशन में है ये लोग। देखिए वो एकदम अंदर तक रहता है, बड़े 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 दुकान है, और दुकान में काफ़ी अच्छा मटेरियल्स भी ले रखा है वो लोगों ने। आज ईद होने वाला है तो इसके लिए इन लोगों ने लिया है सामान, उठाया दुकान में और बिका भी है बहुत ज़्यादा। आज बहुत सारा ज़्यादा सामान बिक रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने है, जो लोग आ रहा है और भर भर के ले जा रहा है, जो खाली हाथ से आ रहा है वो भी भर भर के ले जा रहा है, जो गाड़ी लेके आए पता नहीं हो तो गाड़ी में भर भर के ले जा रहा है। अरे ये सब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ये जो है ये सब क्लोथ्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक है, अच्छा डिज़ाइन भी है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है, मगर क्लोथ्स तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखने से ही। तो जो लोग पहनते होंगे उनको और अच्छा लगता होगा। और मुझे एक इस साल जो है एक न्यूज़ भी पता चला है कि वो सच है झूठ मुझे पता नहीं, कि लोग कह रहे हैं कि जो सूरत से अगर जो लोग आज जो कपड़ा खरीद रहा है उनको महंगा पड़ रहा है, वो मुझे नहीं पता कि सच में बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मगर ये सब चीज़ ऐसे बातें आ रहा है बाहर, लीक हो रहा है, तो इसके लिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात से जो आ रहा है, जो अहमदाबाद से सूरत से जो क्लोथ्स लेके आके जो कपड़े लेके आके यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहा था, तो उनको क्यों नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसने बोला है वो पता नहीं क्यों बोला है, उस पर एक लेख दुलाया होगा या फिर जिससे भी लाया होगा उसको उसने कुछ फंसा वसा दिया होगा, इसके लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ सालों से सदियों से वो आपसे कपड़ा लाता है और यहाँ पे लाके बेचता है, तो फिर अभी कैसे हो सकता है? तो गाइस ये जो देखिए अभी जो है अभी मैं आपको थोड़ा सा जेंट्स का मार्केट में घुमाता हूँ, और इतना देर तो आपको सिर्फ लेडीज़ दिखाया, अभी थोड़ा सा जेंट्स में दिखाता हूँ। जेंट्स में जो है ये एकदम झिकझक जीन्स है, टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, सब एकदम मस्त बढ़िया है। ये देखिए हर एक जीन्स में आपको स्टिकर लगा रखा है, झिकझक बढ़िया दिख रहा है। देखिए हर एक दुकान में ऐसे सेम हर एक दुकान में एक ही चीज़ है। और देखिए क्राउड कितना है, अभी रात को इतना टाइम हो गया फिर भी देखिए क्राउड का कमी नहीं है। ये वॉच का है, घड़ी का दुकान है, आज तो लोग कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी है, इनको मॉडलिंग करना है, हीरो बनना है। शूज़ तो बहुत है, बहुत सारा शूज़ इन लोगों ने दुकान खोल रखा है,
मगर ये एक्चुअली शॉप का अंदर नहीं, ये एक्चुअली रोड साइड में है। रोड में जो है ये लोग बड़े बड़े दुकान जैसे इतना सामान रख के रख दिया। मेरे हिसाब से जो एक्चुअली कैसे है ना कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं खुद जाकर देख कर आऊँगा गुजरात में, मतलब सूरत में, कि क्या पोजीशन है, और मैं वीडियो भी बना लूँगा तो आप लोग भी देख सकते हो, आप लोगों को पता चलेगा। मैं गया हुआ वहाँ पे, वहाँ पे जो है दुकान जो होता है बहुत बड़े बड़े होता है, और एक्चुअली होलसेल का जो आपको सिस्टम्स रहता है वो आप देखोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। वो कैसे रहता है ना कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताया देता हूँ तो आपको पता ही चल जाए। एक्चुअली होलसेल का ऐसे रहता है कि आपको अगर जैसे 100-10 क्वांटिटी में लोगे ना तो आपको ऐसे रिटेल में आपको बोलेगा कितना का टी शर्ट है भाई, तो वो बताएगा कि भाई तो 200 का है, ठीक है। तो फिर 200 का होने के बाद आप बोलोगे नहीं थोड़ा बहुत कम कर दो, 10-20 रुपये वो कम करेगा, ठीक है। और फिर जैसे आप होलसेल में लोगे ना, होलसेल में कैसे रहता है कि आपको 10 अगर टी शर्ट एक साथ में उठाओगे कोई चीज़ तो आपको सीधे 60 रुपये में देगा, 60-70 रुपये में दे देगा आपको डबल बिजनेस। तो मैं पहले मुझे एक्चुअली ये सब पता नहीं था, लेकिन जब से मेरे को मेरे सामने जैसे हुआ ना तभी एकदम मैं अचानक शक हो गया हूँ कि इतना अच्छा बिजनेस रहता है सब चीज़ का। ये देखिए ये जो है ये बच्चों का है, बहुत अच्छा था ये। देखिए अभी ये तो आपको आएगा असली मज़ा, ये देखिए कितना रश है, कितना रश है। फिर वे एक्चुअली आज फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग, फुल मोहम्मद अली रोड को आज का रोड का आज मज़ा लूट रहे हैं लोग। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आज मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, एक्चुअली बहुत दिन के बाद आज मैं मोहम्मद अली रोड गया हूँ। ये देखिए शूज़ कितने बेहतरीन शूज़ है, कितना अच्छा शूज़ है, बढ़िया है। और ये सब जो है रोड साइड में है, ये शॉप्स के अंदर नहीं है। तो जो लोग बाहर से लाए होंगे किधर से तो बेच रहे हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आज कि एक्चुअली इनका साथ में मैं भी इंजॉय किया हो। हाँ मैंने भी क्या लिया है, एक्चुअली मैंने भी कुछ लिया नहीं अभी तक, अभी लेने का है, देखता हूँ क्या क्या लेता हूँ। मैं तो बीच में जो अच्छा लगता है मैं ले लेता हूँ। मुझे तो एक्चुअली आज के जो क्राउड देख के मेरा एकदम बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरी तबीयत खुश हो गया कि क्राउड देख के, क्राउड इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। आप देख सकते हो कि क्राउड आज कितना है, अगर आप आज होते यहाँ पे तो फिर आपको भी बहुत मज़ा आता है। चलो यहाँ पर रह रहा है, अगर इसमें से कोई वीडियो देख रहा है तो फिर वो तो बोलेंगे हाँ मैं तो खुद देखा हूँ कि आज कितना क्राउड था। एक्चुअली ये आज की बात नहीं है, एक्चुअली पूरा रमज़ान का जो महीना है, पूरा रमज़ान का महीने में यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा रौनक रहता है। यहाँ पे खाने पीने का चीज़ भी बहुत सारा मिलता है, मालपुआ वगैरह सब बहुत कुछ मिलता है। पीछे जो है पीछे साइड का जो गले वहाँ पे सिर्फ खाने और खाना ही रहता है। तो मैं आपको आज को एक्चुअली वो खाने के लिए भी डाल देता मगर आज मैं डाला नहीं, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी इसके लिए मैं फिर मैं डाल नहीं रहा हूँ, नहीं तो वो भी मैं डाल देता आपको वो देखने को मिल जाता। देखिए इन लोगों ने लाइटिंग भी किया है, बहुत खूबसूरत से लाइटिंग किया हुआ है। देखिए पब्लिक जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है। सो गाइस मैं तो हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाने को मत भूलिएगा, जाते अब जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आपको वीडियो आ जाए। तो अभी थोड़ी देर में वीडियो ख़त्म होने वाला है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है अभी लास्ट शॉप्स एक्चुअली नहीं है, और भी है बहुत सारा। तो ये सब जो है एक्चुअली जेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पहले का वीडियोज़ है उसमें से मैं ज़्यादा करके जो है लेडीज़ मटेरियल्स ज़्यादा होता था, लेडीज़ लोगों का ज़्यादा होता था, लेकिन आज के जो वीडियो है इसमें जेंट्स का भी है और लेडीज़ का भी है।
तो एक्चुअली जेंट्स लोगों को तो बस टाइम ही नहीं रहता है कि शॉपिंग करे और बार बार मार्केट जाए और कुछ करे। ये देखिए अभी जो है यहाँ पे लोकल जो बंदे लोग से यहाँ पे भी लोग गाड़ी वाड़ी लेके निकला है, अभी इन लोग भी शॉपिंग करेगा। और यहाँ पे तो एक्चुअली दिन रात हमेशा क्राउड रहता ही है, जो लोग रात में आता है वो दिन में सो जाता है, जो दिन में आता है वो रात में सो जाता है। तो यहाँ पे रश के लिए क्राउड के लिए कभी कमी नहीं होएगा। तो मैं एक्चुअली अभी एक्चुअली मैंने प्लान किया है कि जब ये वीडियो के बाद मैं दोबारा जो वीडियो बनाऊंगा खाने का ऊपर का जो है खाने पीने क्या क्या मिलते हैं कहाँ मिलता है वो सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मतलब अभी जब दोबारा मैं बनाऊंगा तभी कुछ दिन मैं वहाँ पे वापस मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बहुत सारा जो है आपने कभी हो सकते हैं खाया नहीं होंगे, आप देखने के बाद आपको भी मन करेगा कि मैं भी वो खाऊं, आप भी जाओगे आप भी खा के एक्सपीरियंस लोगे मज़ा लोगे। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ये जो है मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ, आज ये जो जीन्स है जीन्स ये एक्चुअली शॉप्स का अंदर है, तो यहाँ पे जो 500-700 वगैरह है जीन्स, ये देखिए कितना क्राउड है, सब लोग ले रहा है आज आज लेना है, कल तो भैया ईद है, ईद के लिए तो चाहिए ना, साल भर कमा रहा हो तभी तो लेना ही पड़ेगा, जो बोलता है ले लो बस दे दो जाओ खाली करो, काफी क्राउड है, काफी ज्यादा क्राउड है। चप्पल है, जूता है, सैंडल्स है। हाँ तो ये जो है ये एक्चुअली 100-150, 200-300 से सब मिल रहा है यहाँ पे। ये जो है मैं वो एक्चुअली चिला कर बता रहा था, 200-200 करके 200-200 करके बेच रहा था, ये जो कुर्तीज है ये कुर्ता सब 200 करके बेच रहा था, ये रोड पे है एक्चुअली। और शर्ट से व्हाइट शर्ट से 100 रुपये में, 150 रुपये में। ठीक है जिनका बजट थोड़ा लो है उनके उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत क्राउड है, चलने को भी जगह नहीं है। सो गाइस अभी एक्चुअली वीडियो का एंड आ चुका है, अब मैं वीडियो थोड़ी देर में ख़त्म कर हो जाएगा। अभी चारों तरफ मैं आपको दिखाया हूँ और भी बहुत सारा बाकी है, उतना दिन में नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपको फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।